ओम शांति। ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 8 अगस्त 1968। द नाइट क्लास डेटेड 8 अगस्त 1968 वॉज बीइंग नरेटेड। पहले पेज के मध्यादि में बात चल रही थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द मिडल ऑफ द फर्स्ट पेज द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड वॉज। जो बातें बाप बैठ समझाते हैं उन बातों को रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। द टॉपिक्स दैट द फादर एक्सप्लेन्स आर नोन ओनली टू द स्पिरिचुअल फादर एंड द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। क्योंकि रूहानी बाप बैठ आत्माओं को रचना का राज बताते हैं। इट इज बिकॉज द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड नरेट्स द सीक्रेट ऑफ द क्रिएशन टू द सोल्स। कहते हैं कि यहाँ इस दुनिया में है अपार दुख। He says, here there is infinite sorrow in this world. और वहाँ नई दुनिया में है अपार सुख। And there in the new world, there is infinite happiness. तो बाप आइडनेस निकालते हैं काम महाशत्रु है। So, the father issues an ordinance that lust is the greatest enemy. इस महाशत्रु पर जीत पहनो। Conquer this greatest enemy. काम को जीतो और जगत जीत बनो। Become the conqueror of the world by conquering lust. जितना जितना काम जीत बनते जावेंगे। The extent to which you become the conqueror of lust. उतना उतना जगत जीत बनते जावेंगे। You will become the conqueror of the world to that extent. भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। द एंशिएंट डेटी रिलीजन वॉज इन भारत अलोन। अभी तो रावण राज्य है। नाउ इट इज रावण्स किंगडम। जहाँ सनातन धर्म था वो है विष्णुपुरी। इट इज विष्णुपुरी मीनिंग द अबोड ऑफ विष्णु वेर द एंशिएंट डेटी रिलीजन एग्जिस्टेड। और अभी तो है रावणपुरी। एंड नाउ इट इज रावणपुरी मीनिंग द अबोड ऑफ रावण। जिसमें दुख अपरम अपार हैं। Where the sorrow is infinite. बाप स्वर्ग की स्थापना करने के लिए संगम युग पर ही आते हैं। The father comes only in the confluence age to establish heaven. और कहते हैं काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। And he says, if you conquer lust, you will become the conqueror of the world. परंतु बिख को छोड़ते ही नहीं है। बट दे डू नॉट लीव पॉइजन एट ऑल। द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी हैज कॉल्ड आउट। ऐसे तो इस समय सभी द्रौपदियां और दुशासन हैं। इन अ वे एट प्रेजेंट ऑल आर द्रौपदीज एंड दुशासन्स। बाप बैठ समझाते हैं। द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स। कि द्रौपदियां किनको कहा जाता है। Who are called Draupadis? उनकी कथा प्रसिद्ध है। Her story is famous. भरी सभा में दुर्योधन दुशासन उनको नगण करते थे। दुर्योधन एंड दुशासन मेड हर नेकेड बिफोर द कोर्ट। दुर्योधन एंड दुशासन विलनस कैरेक्टर्स इन द एपिक महाभारत। काम की आग इतने विकराल रूप धारण करती है। द फायर ऑफ लस्ट टेक्स ऑन सच एन अलार्मिंग फॉर्म कि कोई के मान मर्तबे की परवाह नहीं रहती। दैट दे डोंट केयर फॉर एनीवन्स रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जैसे कि अंधे हो जाते हैं। एज इफ दे बिकम ब्लाइंड। ऐसी द्रौपदियां फिर कोई सहारा न रह जाने के कारण एक बाप का सहारा लेती है। सच द्रौपदीज टेक द हेल्प ऑफ द वन फादर व्हेन नो वन हेल्प्स देम। आर्तनाद से पुकारती हैं। दे क्राई आउट टू हिम इन डिस्पेयर। बाप आकर सहयोगी बनते हैं। द फादर कम्स एंड बिकम्स कोऑपरेटिव। बाप समझाते हैं। द फादर एक्सप्लेन्स
अभी है पुरुषोत्तम संगम युग. दैट नाउ इट इज द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज दैट इज पुरुषोत्तम संगम युग. इस समय सब फीमेल द्रौपदियां हैं. एट दिस टाइम ऑल द फीमेल्स आर द्रौपदीज. और सब मेल दुर्योधन दुशासन हैं. एंड ऑल द मेल्स आर दुर्योधन एंड दुशासन. पुरुषार्थ करते हो काम पर जीत पाने का तो तुम देवी देवता बनते हो. यू बिकम डेटीज व्हेन यू मेक पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट टू गेन विक्ट्री ओवर लस्ट. तुमको देवी देवता बनने के लिए बाप की श्रीमती मिल रही है. यू आर रिसीविंग द फादर्स श्रीमत टू बिकम डेटीज. आत्माएं तो सभी भाई भाई हैं, फिर होते हैं भाई बहन. ऑल द सोल्स आर एक्चुअली ब्रदर्स अमंग देमसेल्व्स लेटर दे बिकम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो हैं. बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा. प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. प्रजापिता ब्रह्मा विल बी कॉल्ड द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. डबल ग्रेट किस लिए लगाया? व्हाई डिड ही यूज डबल ग्रेट? क्योंकि और जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब ग्रेट फादर्स हैं. बिकॉज ऑल द अदर रिलीजियस फादर्स आर ग्रेट फादर्स. इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट महान धर्म पिताएं हैं. इब्राहिम बुद्धा क्राइस्ट आर ग्रेट रिलीजियस फादर्स. परंतु उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहा जा सकता. बट दे कांट बी कॉल्ड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. सब धर्मों में आदम की मान्यता है, एडम की मान्यता है, जिसे आदि पुरुष कहा जाता है. आदम एडम हु इज कॉल्ड द फर्स्ट मैन इज एक्सेप्टेड इन ऑल द रिलीजन्स. वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. ही इज द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. और तुम प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हो. एंड यू आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. ऐसे ऐसे बैठ सभा के बीच समझावे तो बहुतों के दिल पानी पानी हो जावे. इफ यू एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स इन द गैदरिंग्स द हार्ट्स ऑफ मेनी विल बी मूव्ड. नहीं तो पत्थर के दिल बन चुके हैं. अदरवाइज देयर हार्ट्स हैव बिकम लाइक स्टोन. लड़ते ही झगड़ते रहते हैं. दे जस्ट कीप क्वारलिंग विद ईच अदर. जानते नहीं है कि विश्व में शांति सत्य युग में थी. दे डोंट नो दैट देयर वॉज पीस इन द वर्ल्ड इन सत्य युग. जहाँ सत्य का ही बोलबाला था. वेयर ओनली ट्रूथ वॉज प्रोमिनेंट. सत्य युग मीनिंग लिटरली द एज ऑफ ट्रूथ. सत्य युग द गोल्डन एज. असत्य का नाम निशान नहीं था. देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ फॉल्सहुड. ऐसी सतयुग की स्थापना सत्य बाप सत्य गुरु सत्य टीचर ही करते हैं. ओनली द ट्रू फादर द ट्रू गुरु एंड द ट्रू टीचर एस्टेब्लिशेस सच अ सतयुग. अभी तो दुनिया में अशांति है. नाउ देयर इज रेस्टलेसनेस इन द वर्ल्ड. बाप ही शांति सुखधाम की स्थापना करते हैं. द फादर अलोन एस्टेब्लिशेस द अबोड ऑफ पीस एंड द अबोड ऑफ हैप्पीनेस. जिसके लिए अभी श्रीमत देते हैं कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो. फॉर विच ही गिव्स श्रीमत नाउ कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल एंड रिमेम्बर द फादर. देह समझने से विश्व पिता की याद नहीं आ सकती है. यू कैनॉट रिमेम्बर द फादर ऑफ द वर्ल्ड विश्व पिता By considering yourself as a body. आत्मा समझने से सब आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाते. Considering yourself as a soul makes all the souls brothers. कोई भी धर्म का हो
सब कहेंगे हम है आत्मा। टू विच एवर रिलीजन दे मे बिलोंग एवरी वन विल से वी आर सोल्स। इसको कहेंगे सहज राजयोग। दिस विल बी कॉल्ड द इजी राजयोग। और सभी मनुष्यों के सिखाए हुए हैं हठ योग। द रेस्ट ऑफ द योग्स टॉट बाय अदर ह्यूमन बीइंग्स आर हठ योग, मीनिंग अ फॉर्म ऑफ योग कंसिस्टिंग ऑफ रिगरस फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड ब्रेथ कंट्रोल। उन हठ योगों से शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। पीस कैनॉट बी एस्टेब्लिश्ड बाय दोस हठ योग्स। जानते भी नहीं है। They don't even know कि शांति कैसे स्थापन होती है। How peace is established और कब स्थापन होती है। And when it is established। बाप तो कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ राजयोग सिखलाने। The father says I come only once in a cycle to teach राजयोग। फिर हमको सुखधाम का मालिक बनाकर खुद शांति धाम में बैठ जाते हैं। Later he makes us the masters of the abode of happiness and he himself sits in the abode of peace। हम भारतवासियों को सुख दे करके खुदवान प्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। He goes into the stage of retirement after giving happiness to us Bharatvasis, meaning residents of India। बाप पहले हमको समझाते हैं। The father explains to us first। फिर औरों को समझाते हैं। Later he explains to others। औरों को समझाना हमारा काम है। It is our duty to explain to others। हमारी तो एम ऑब्जेक्ट ये है सारे विश्व को संदेश पहुंचाना। Our aim and objective itself is this, to convey the message to the entire world। बताना है कि अभी ये दुनिया दुखधाम है। You have to tell them, this world is the abode of sorrow now। इसमें अपारम अपार दुख हैं। There is infinite sorrow in this world। कलयुग में होंगे अपार सुख। There will be infinite happiness in the golden age। बाप संगम पर आकर के सुखधाम अपार सुखों की स्थापना करते हैं। The father comes in the confluence age and establishes the abode of happiness। He establishes infinite happiness। और दुखधाम का विनाश कराए देते हैं। And he enables the destruction of the abode of sorrow। ऐसे नहीं कि पहले दुखधाम का विनाश कराए देते हैं। It is not that he enables the destruction of the abode of sorrow first। फिर बाद में सुखधाम स्थापन होता है। And later the abode of happiness is established। नहीं। No। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देते हैं। He gives the inheritance of heaven amidst the world of hell। ये सारी दुनिया नरक है। This entire world is hell। नर मनुष्य को कहा जाता है। A human being is called nar, meaning man। स्त्रियों को भी कहा जाता है। Are women also called nar? है? नरक किसको कहा जाता है? Who is called nar? मनुष्य को नर कहा जाता है। A human being is called nar। स्त्रियों को नारी कहा जाता है। Women are called nari। तो नरक कौन बनाता है? So who makes hell? हा? अरे स्वर्ग कौन बनाता है? अरे who makes heaven? स्वर्ग कैसे बनता है? How is heaven created? स्वस्थिति से बनता है स्वर्ग। Heaven is created through the stage of the self। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो स्वर्ग बनाने वाला है। The one who remains in the stage of the self forever makes heaven। और नर? And what about nar? हाँ? नर नरक बनाने वाला है। Nar is the one who creates hell। तो बाप ऐसे नरक की दुनिया में आकर के स्वस्थिति वाले स्वर्गधाम सुखधाम की स्थापना करते हैं। So the father comes in such a world of hell and establishes the abode of heaven
द अबोड ऑफ हैप्पीनेस वेयर एवरीवन इज इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ। ऐसा संगठन जहाँ सब स्वस्थिति वाले होते हैं। He creates a gathering where all remain in the stage of the self. स्वस्थिति की ताकत से प्रकृति उनके वश में हो जाती है। Through the power of their stage of the self, nature comes under their control. प्रकृति पांच तत्वों वाली है। Nature consists of the five elements. जड़त्व में ही प्रकृति के तत्व हैं। The elements of nature are inert. उन्हें एकाग्र करना चैतन्य आत्माओं का काम है। It is the duty of the living souls to make them constant. परंतु आत्माएं अपने स्वरूप को समझें कि हम चैतन्य आत्मा हैं। But the souls should understand their form. We are living souls. एक परमपिता परमात्मा के बाप के बच्चे हैं। The children of the one supreme father, supreme soul. उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें। They should practice to become constant in that stage. तब स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। Then the establishment of heaven will be possible. तो पहले स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। So he has heaven established first. बाद में दुख धाम का विनाश कराते हैं। And later has the hell destroyed. ये बच्चों को याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। If the children remember even this, their mercury of happiness will remain high. क्या? What? क्या याद रहे? What should you remember? कि बाप आकर नरक की दुनिया के बीच सुख की दुनिया की स्थापना करते हैं। That the father comes and establishes the world of happiness amidst the world of hell. बाद में नरक का विनाश कराते हैं। Later he enables the destruction of hell. बच्चों को अंदर बाहर सच्चा बनना है। The children have to become truthful from within as well as outside. सच्चा बाप मिला है तो सच्ची तरह चलना है। You should be truthful since you have found the true father. यहाँ झूठ की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। Here there is no need for falsehood at all. क्यों? Why? क्योंकि बाप सच्चखंड की स्थापना कराने के लिए आए हैं। It is because the father has come to enable the establishment of सच्चखंड, meaning the land of truth. झूठखंड का विनाश कराने के लिए आए हैं। And to have झूठखंड, meaning the land of falsehood destroyed. सच्चे को अपनाते रहेंगे। If you continue to adopt the truth, तो सर्विस भी बहुत इजी होती रहेगी। The service will continue to become easy. ख्यालात आते रहेंगे कि हम भी सर्विस करें। You will have thoughts, I too should serve. दूसरों की सेवा करें। Let us serve others. जितनी जितनी सेवा में लगे रहेंगे, The more you stay engaged in service, उतना खुशी का मेवा मिलता रहेगा। The more you will receive the fruit of happiness. खुशी का मेवा मिलेगा तो मन मौज में रहेगा। If you get the fruit of happiness, your mind will stay joyful. तो बाप कहते हैं, So the father says, कि संगम युग है ही मौजों का युग। The confluence age is anyway the age of enjoyment. मौजों के युग में, In the age of enjoyment, चेहरा सदैव खिला हुआ होना चाहिए। The face should always be blossomed, meaning happy. चेहरा लटकता है। If your face wilts, माना सर्विस करते हैं या डिससर्विस करते हैं? It means, do you do service or disservice? डिससर्विस में लगे हुए हैं। It means that you are engaged in disservice. देहभान आता है तब चेहरा लटकता है। The face wilts when you are body conscious. बाबा पॉइंट तो बहुत सहज समझाते हैं। बाबा certainly explains very easy points. परंतु समझें भी ना। But they should also understand it, shouldn't they? जब बाप आते हैं
तो मनुष्य गधे मिसल बन जाते हैं। कैसे? ह्यूमन बींग्स बिकम लाइक डोंकीज व्हेन द फादर कम्स। हाउ? जैसे गधे को धोबी बार बार नहलाता है। लाइक अ वॉशरमैन बेथ्स अ डोंकी रिपीटेडली। गधा क्या करता है? एंड व्हाट डज द डोंकी डू? बार बार मिट्टी में लोट जाता है। इट रोल्स इन मड रिपीटेडली। ये देह अभिमानी की मिट्टी है। दिस इज द मड ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। कुछ भी समझते नहीं है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। भक्ति मार्ग में डींगे बहुत मारते रहते हैं। दे बोस्ट अ लॉट इन द पाथ ऑफ भक्ति मीनिंग डिवोशन। तो ये डिंग मार्ग है। सो इट इज द पाथ ऑफ बोस्टिंग। रावण को भी गधे का सिर दिया है। रावण इज ऑल्सो गिवन द हेड ऑफ अ डोंकी। है 10 सिर तो मनुष्यों के दिए हैं। 10 हेड्स आर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और उससे ऊपर एंड अबाउ देम गधे का सिर दिया हुआ है। द हेड ऑफ अ डोंकी इज शोन। अभी अभी श्रृंगार करो। डेकोरेट देम जस्ट नाउ। फिर अभी अभी देखो लोट पोट होकर के कैसे जैसे के तैसे बन जाते हैं। एंड इमीडिएटली यू विल सी दैट दे रोल हियर एंड देयर इन मड एंड बिकम जस्ट लाइक व्हाट दे वर बिफोर। रावण राज्य है ना? इट इज द किंगडम ऑफ रावण इजंट इट। रावण राज्य है। इज इट द किंगडम ऑफ रावण? यह गधे का राज्य है। और इज इट अ डोंकीज किंगडम? रावण राज्य है और रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं। इट इज रावण्स किंगडम एंड द हेड ऑफ अ डोंकी शोन ऑन रावण। तो गधे का राज्य कहना चाहिए ना? सो दे शुड कॉल इट द डोंकीज किंगडम शुडंट दे? फिर रावण राज्य क्यों कहते हैं? देन व्हाई डू दे कॉल इट रावण्स किंगडम? है क्यों कहते हैं? Why do they say so? क्या गधा किसी को रुलाता है? Does a donkey make anyone cry? है? गधा तो इतना सीधा साधा होता है। A donkey is so innocent that. भले मिट्टी में बार बार लोट जाता है तो अपना ही नुकसान करता है। Though it rolls in mud again and again, does it bring loss to itself? या दूसरों को रुलाता है? और डज इट मेक अदर्स क्राई? उसका इंटेंशन कोई दूसरों को रुलाना नहीं होता है। और रावण तो? इट्स इंटेंशन इजंट टू मेक अदर्स क्राई। एंड व्हाट अबाउट रावण? रावण तो औरों को रुलाता है। रावण मेक्स अदर्स क्राई। गधे में बुद्धि होती है? डज अ डोंकी हैव अ शार्प इंटेलेक्ट? या रावण में बुद्धि होती है? और डज रावण हैव अ शार्प इंटेलेक्ट? रावण फिर भी बुद्धिमान दिखाया हुआ है। रावण इज स्टिल शोन इंटेलिजेंट। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं। लाइक ब्रह्मा इज शोन विद द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स इन हिज हैंड्स। वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। कहते हैं प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था। रावण इज ऑल्सो शोन विद द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स इन हिज हैंड्स। दे से That he was a very great scholar, a Brahmin. कहाँ की बातें? These are the topics of which time? रावण जैसे ब्राह्मण भी राक्षस थे। Demons like Ravan were also Brahmins. और वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे महर्षि भी ब्राह्मण थे। And sages like Vasishtha and Vishwamitra were Brahmins too. तो कौन सी दुनिया की बात है? So it is about which world? ये ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया की बात है। दिस इज अबाउट द कॉन्फ्लुएंसेज वर्ल्ड ऑफ द ब्राह्मिन्स। जहाँ अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले भी होते हैं। वेयर दोज हु परफॉर्म वेरी गुड डीड्स आर आल्सो प्रेजेंट। और बुरे से बुरे कर्म करने वाले भी देखने हो तो इस ब्राह्मणों की दुनिया में देखो। एंड इफ यू वॉन्ट टू सी दोज हु परफॉर्म द वर्स्ट डीड्स यू कैन सी देम इन दिस ब्राह्मिन वर्ल्ड। इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में 9 कुरियां दिखाई हुई हैं। That is why 9 categories are shown in the Brahmin world. दुनिया के हिसाब से देखा जाए, If you look at the world,
तो भी सारी दुनिया 9 धर्मों में बटी हुई है। द वर्ल्ड इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 9 रिलीजन्स। जो कुछ न कुछ आस्तिक धर्म है, विच आर थीस्ट रिलीजन्स टू सम एक्सटेंट, भगवान को मानने वाले धर्म है, दे आर द रिलीजन्स दैट बिलीव इन गॉड, जिन धर्मों के लिए बोला है, द रिलीजन्स फॉर विच इट इज सेड कि रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट, रिलीजन में शक्ति होती है, देयर इज पावर इन रिलीजन, उस धर्म में शक्ति नहीं होती है जो धर्म के नाम पर अधर्म बन जाता है, द रिलीजन दैट बिकम्स इरिलीजियस इन द नेम ऑफ रिलीजन डज नॉट हैव पावर, धारणा का नाम निशान नहीं होता है, इट डजंट हैव एनी नेम एंड ट्रेस ऑफ धारणा इन इट, धारणा मीनिंग प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजियस कंसेप्ट। तो बाप कहते हैं ये रावण राज्य है, देयरफॉर द फादर सेज दिस इज द किंगडम ऑफ रावण। ये शास्त्र पढ़ने वाले बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते हैं, दोज हू रीड द स्क्रिप्चर्स बोस्ट अ लॉट, पत्थर बुद्धि समझते नहीं है, दोज विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल, कहते भी हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, दे ऑल्सो से वी आर द सिंफुल सोल्स ऑफ मेनी बर्थ्स, जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कट जाएं, इसके लिए हमको योग की यात्रा चाहिए, वी रिक्वायर द जर्नी ऑफ योग सो दैट अवर सिंस ऑफ मेनी बर्थ्स आर डिस्ट्रॉयड, परंतु ये योग की यात्रा बड़ी कड़ी है, बट दिस जर्नी ऑफ योग इज वेरी डिफिकल्ट, बल कहते हैं सहज राजयोग और सहज ज्ञान, ऑल्दो इट इज कॉल्ड द इजी राजयोग एंड द इजी नॉलेज, कठिन तो नहीं कहते हैं, इट इज नॉट कॉल्ड डिफिकल्ट, भक्ति मार्ग में भी मानते हैं, इन द पाथ ऑफ भक्ति टू दे बिलीव दैट भगवान मुश्किल को सहज करने वाला है, गॉड मेक्स द डिफिकल्ट इजी, मनुष्य गुरु तो सहज नहीं करते हैं, ह्यूमन गुरुज डू नॉट मेक इट इजी, और ही कठिन कठिन रास्ता बताते हैं, दे शो इवन मोर डिफिकल्ट पाथ्स, हठ योग लगाओ, आसन लगाओ, प्राणायाम खींचो, दे शो इवन मोर डिफिकल्ट पाथ्स, प्रैक्टिस हठ योग, डू आसन्स, डू प्राणायाम, आसन्स मीनिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस इन योग, प्राणायाम मीनिंग रेगुलेटेड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस रोको, नाक बंद करो, उल्टे खड़े हो जाओ, स्टॉप योर ब्रीदिंग, क्लोज योर नोज, स्टैंड अपसाइड डाउन, बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, द फादर शोज सच एन इजी पाथ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर द फादर, परंतु फिर कठिन कैसे हो जाता है, बट देन हाउ डज इट बिकम डिफिकल्ट, जो खास श्रीमत है, द मेन श्रीमत, क्या वॉट ब्राह्मणों के लिए खास श्रीमत क्या है, वॉट इज द मेन श्रीमत फॉर द ब्राह्मिन्स, है पवित्र बनो, योगी बनो, बिकम प्योर, बिकम अ योगी, तो पहली पहली जो श्रीमत है पवित्रता की, उसमें कहीं न कहीं खोट हो जाती है, इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन फॉलोइंग द फर्स्ट श्रीमत ऑफ प्यूरिटी, तो ब्राह्मणों के ऊपर 100 गुना बोझ चढ़ जाता है, देन द ब्राह्मिन्स अक्यूमुलेट 100 टाइम्स बर्डन, लौकिक रीत से कर्म करते हैं तो 1 गुना पाप चढ़ता है, इफ यू परफॉर्म अ रॉन्ग एक्ट इन द लौकिक लाइफ मीनिंग वर्ल्डली लाइफ यू अक्यूमुलेट 1 टाइम सिन, और अलौकिक ब्राह्मण जीवन में बाप को जानकर मानकर अंजाम करके फिर श्रीमत के खिलाफ काम करते हैं, एंड इन द अलौकिक मीनिंग बियॉन्ड द लौकिक ब्राह्मण लाइफ आफ्टर नोइंग एक्सेप्टिंग एंड प्रॉमिसिंग द फादर इफ यू एक्ट अगेंस्ट श्रीमत, तो 100 गुना बोझ चढ़ने के कारण, देन ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ 100 टाइम्स बर्डन, कठिन होगा या सहज होगा, विल इट मीनिंग नॉलेज एंड योग
बिकम इजी और डिफिकल्ट? कठिन भासता है। इट अपीयर्स डिफिकल्ट। नहीं तो कठिन नहीं है। अदरवाइज इट इज नॉट डिफिकल्ट। इसलिए कहते हैं, दिस इज व्हाई ही सेज, कि सिवाय सर्विसेबल बच्चों के, अपार्ट फ्रॉम द सर्विसेबल चिल्ड्रन, यह यात्रा कोई भी सहज रीति नहीं कर सकता। नो वन एल्स कैन गो ऑन दिस जर्नी इन एन इजी वे। क्या? वॉट? जो बच्चे ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, द चिल्ड्रन हु रिमेन एंगेज्ड इन डिवाइन सर्विस ऑफ गॉड, स्वार्थ की जिनको चिंता नहीं रहती है, हु डोंट वरी अबाउट देयर सेल्फिश नीड्स, भगवान बाप का उनको स्पेशल सहयोग मिलता है, दे रिसीव स्पेशल कोऑपरेशन फ्रॉम द फादर। बाप किन बच्चों को याद करते हैं? विच चिल्ड्रन डज द फादर रिमेम्बर? सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। ही रिमेम्बर्स द सर्विसेबल चिल्ड्रन। ऐसे नहीं कहा, ज्ञानी बच्चों को याद करते हैं। ही डिड नॉट से दैट, ही रिमेम्बर्स द नॉलेजेबल चिल्ड्रन। याद में हठपूर्वक 2-4-8 घंटे बैठ जाएं, उनको याद करते हैं। ही रिमेम्बर्स दोज हु सिट इन रिमेम्बरेंस ऑब्स्टिनेटली फॉर 10-8 आवर्स। धारणावान बच्चों को याद करते हैं। और दैट ही रिमेम्बर्स द धारणावान मीनिंग वर्चुअस चिल्ड्रन। नहीं। नो। क्या कहा? वॉट डिड ही से? सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। ही रिमेम्बर्स द सर्विसेबल चिल्ड्रन। तो सहज करना है तो सहज करने का रास्ता क्या हुआ है? सो इफ यू वॉन्ट टू मेक इट इजी, वॉट इज द वे टू मेक इट इजी? सहज करने का रास्ता है ईश्वरीय सेवा में लगे रहना चाहिए। द वे टू मेक इट इजी इज टू कीप योरसेल्फ एंगेज्ड इन डिवाइन सर्विस। अच्छा अच्छा। मीठे मीठे शिकील दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रिमेम्बरेंस लव एंड गुड नाइट फ्रॉम द स्पिरिचुअल बाप दादा टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। नमस्ते मीनिंग ग्रीटिंग्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर। एक दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है, 17 अगस्त 1968। देर इज अनदर शॉर्ट नाइट क्लास ऑफ द 17th August 1968। सर्विस के क्षेत्र में मूल बात है सबको बाप की पहचान मिले। द मेन थिंग इन द फील्ड ऑफ सर्विस इज दैट एवरीवन शुड रिसीव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर। सबको बाप की पहचान मिलेगी इफ एवरीवन रिसीव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर, तो बेहद के बाप से बेहद सुख शांति का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। दे विल मेक पुरुषार्थ टू अचीव द इनहेरिटेंस ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड पीस फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर। और बाप का वर्षा मिले तो सब दुख दूर हो जाएंगे। एंड इफ यू अटेन द इनहेरिटेंस ऑफ द फादर ऑल योर सोरो विल बी रिमूव्ड। और सबके दुख दूर हो जाएंगे। एंड एवरीवन सोरो विल बी रिमूव्ड। 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं बचेगी जिसके दुख दूर न हो जावे। नॉट इवन अ सिंगल ह्यूमन सोल विल बी लेफ्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 5-7 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स हुज सोरो इज नॉट रिमूव्ड। कोई के अनेक जन्मों के दुख दूर हो जावेंगे। सम बिकम फ्री फ्रॉम सोरो फॉर मेनी बर्थ्स। 21 जन्मों का अपार सुखों का वर्षा पाए लेते हैं। दे अटेन द इनहेरिटेंस ऑफ इन्फिनेट हैप्पीनेस फॉर 21 बर्थ्स। फिर कोई के एक जन्म के दुख पूरे पूरे दूर हो जाते हैं। सम अदर्स बिकम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम सोरो फॉर 1 बर्थ। कम से कम एक जन्म का सुख का वर्षा तो हर मनुष्य आत्मा को मिलना जरूर है। एवरी ह्यूमन सोल हैज टू सर्टनली अटेन द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस फॉर एटलीस्ट 1 बर्थ।
बॉम्बे में जो सेमिनार हुआ था, इन द सेमिनार दैट टुक प्लेस इन बॉम्बे, उसमें कुमारिका उषा आदि ने जो भाषण किया था, कुमारिका उषा एटसेट्रा गिव लेक्चर्स, वो टेप आज क्लास में चल रही है। दैट टेप इज बीइंग प्लेड इन क्लास टुडे। उषा ने ठीक बताया कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। उषा स्पोक राइट अबाउट हु टीचेस अस। ये उषा कौन है और कुमार का कौन है? हु इज दिस उषा एंड हु इज कुमार का? वाणी कौन से सन की है? 68 की वाणी है। दिस इज द वाणी ऑफ विच ईयर? द वाणी इज ऑफ 68। बम्बई की लौकिक दुनिया में सर्विस की बात बताई। He spoke about service in the लौकिक world in Bombay। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। The unlimited father speaks about the unlimited topics to the unlimited children। जो हद के बच्चे होते हैं वो हद की बातें उठा लेते हैं। The limited children grasp the limited topics। हद के बच्चों ने समझा कि कुमार का नाम लिया है। The limited children thought that when he has taken the name of Kumarka, तो जरूर वो ही बच्ची होगी। It must certainly be the same daughter, जिसको ब्राह्मण परिवार में बहुत मान मर्तबा मिलता है। Who receives a lot of respect and honor in the Brahmin family. ब्रह्मा बाबा भी उसको बहुत मान देते थे। ब्रह्मा बाबा हिमसेल्फ यूज्ड टू गिव हर अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मुरली में बोला है, इट इज सेड इन द मुरली, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमारिका की। कुमारिका इज गिवन रिस्पेक्ट द मोस्ट अमंग ऑल द स्टार्स। परंतु फिर दूसरा वाक्य बोल दिया। बट ही स्पोक अनदर सेंटेंस, जिनका इस दुनिया में बहुत मान मर्तबा होता है, Those who receive a lot of respect and honor in this world, उनको बड़े ते बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। Consider them to be the greatest भ्रष्टाचारी, meaning someone corrupt. तो सीधे सीधे कोई बात साबित नहीं होती है। So nothing is proved easily. ब्रह्म वाक्यों की गहराई में जाने से नई नई बातें निकलती हैं। New topics emerge when you go into the depth of Brahma's versions. कुमार का बेहद में वो है जिसका सारे ही 84 जन्मों में कुमारी जीवन है। The unlimited Kumarka is the one who leads the life of a maiden throughout her 84 births. कुमारी जीवन अति पवित्र माना जाता है। द लाइफ ऑफ अ मेडन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्योर। साधु संन्यासी भी उनकी पूजा करते हैं। इवन द सेजेस एंड सेंट्स वर्शिप देम। जो भी नव दुर्गा और नव देवियों का रूप दिखाया जाता है वो सब कुमारियों के रूप में दिखाई गई है। ऑल द फॉर्म्स ऑफ द नाइन दुर्गास द नाइन देवीज दैट इज गॉडेसेस दैट आर शोन दे आर ऑल शोन इन द फॉर्म ऑफ मेडन्स। तो बेहद की कुमारिका के लिए भी बताया। सो इट वॉज सेड फॉर द अनलिमिटेड कुमारिका एज वेल। कौन हुई? हु इज शी? हैं? पहले पहले सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है कुमारिका की? फ्रॉम वेयर डज कुमारिका स्टार्ट डूइंग सर्विस फर्स्ट? भारत में पहले पहले सेवा होती है बम्बई से। इन भारत द सर्विस टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉम्बे फर्स्ट। बम्बई किसकी नगरी कही जाती है? हू सिटी इज बॉम्बे कॉल्ड? माया की नगरी कही जाती है। इट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ माया। और माया बाप की बेटी है। एंड माया इज द डॉटर ऑफ द फादर। तो बेटी तो कुमारिका ही कही जाएगी ना? सो कुमारिका हरसेल्फ विल बी कॉल्ड द डॉटर, वोंट शी?
प्योरिटी की पावर होगी या नहीं होगी? विल शी हैव द पावर ऑफ प्योरिटी और नॉट? है नहीं होगी? वोंट शी हैव इट? प्योरिटी की पावर तो होनी चाहिए। शी शुड सर्टनली हैव द पावर ऑफ प्योरिटी। नहीं तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान कहा जाता है, और एल्स जस्ट एज द फादर इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। वो सर्वशक्तिवान का टाइटल किसको मिलता है? हु रिसीव्स दैट टाइटल ओमनीपोटेंट? माया को भी मिलता है। माया ऑल्सो रिसीव्स इट। बाप का स्थापन किया हुआ राज्य आधा कल्प चलता है। द किंगडम एस्टेब्लिश्ड बाय द फादर कंटिन्यूज फॉर हाफ अ साइकिल। तो माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है। सो द किंगडम ऑफ माया ऑल्सो कंटिन्यूज फॉर हाफ अ साइकिल। आधा कल्प राज्य बाप का, आधा कल्प का राज्य बेटी का, माया बेटी। इट इज द फादर्स किंगडम फॉर हाफ अ साइकिल एंड इट इज द किंगडम ऑफ द डॉटर, डॉटर माया फॉर हाफ अ साइकिल। तो राज्य चलाने के लिए संगठन शक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? सो इज द पावर ऑफ द गैदरिंग रिक्वायर्ड टू रूल द किंगडम और नॉट? है नहीं चाहिए? इजंट इट रिक्वायर्ड? चाहिए तो। इट इज सर्टनली रिक्वायर्ड। एक संगठन होता है रावण का संगठन। वन इज रावण्स गैदरिंग। दस सिर इकट्ठे होते हैं तो यूनिटी है या नहीं है? When 10 heads get together, is there unity or not? है? यूनिटी तो है। There is certainly unity. परंतु 100% यूनिटी नहीं कहेंगे। But it will not be called 100% unity. क्योंकि दुनिया के कोई भी काम प्योरिटी के बगैर नहीं हो सकते। Because no work in the world can be performed without purity. आज भी दुनिया जो टिकी हुई है, इतना भ्रष्टाचार दुराचार फैल रहा है, तो भी कैसे टिकी हुई है? How is the world stable today in spite of the adultery and corruption that is spreading? कुछ न कुछ प्योरिटी है जरूर। Definitely there is purity to some extent. तो बोला, सो इट वॉज सेड कि बॉम्बे में जो सेमिनार हुआ, द सेमिनार दैट वॉज कंडक्टेड इन बॉम्बे, उसमें कुमारिका आदि ने जो भाषण किया, उषा ने जो भाषण किया, इन दैट द लेक्चर दैट वॉज गिवन बाय कुमारिका एंड अदर्स बाय उषा, वो टेप क्लास में चलाई गई। इट्स टेप वॉज प्लेड इन द क्लास। उषा ने तो ठीक बताया है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। उषा स्पोक राइट अबाउट हु टीचेस अस। बेहद की उषा कौन हुई? हु इज उषा इन द अनलिमिटेड? जब सूर्य निकलता है, व्हेन द सन राइजेस, तो सूर्य से पहले उषा आती है। उषा मीनिंग अ रेड ग्लो कम्स बिफोर द सन। सूर्य सीधा सीधा अंधकार से मुकाबला नहीं करता। द सन डज नॉट कन्फ्रंट डार्कनेस डायरेक्टली। शिव बाबा है ज्ञान सूर्य। शिव बाबा इज द सन ऑफ नॉलेज। और शक्तियों की जो हेड है वो है उषा। एंड द हेड ऑफ द शक्तिज इज उषा। शक्तिज मीनिंग कॉन्सॉर्ट्स ऑफ शिव। तो शक्तियां अंधकार का मुकाबला करती है। सो द शक्तिस कन्फ्रंट द डार्कनेस। जिनका नारा होता है अंधेरा कायम रहेगा, दोजू रेज अ स्लोगन डार्कनेस विल प्रिवेल फॉर एवर। ज्ञान को हम दुनिया में फैलने नहीं देंगे। वी विल नॉट अलाउ द नॉलेज टू स्प्रेड इन द वर्ल्ड। ज्ञान माने बाप की पहचान। नॉलेज मीन्स द रिकॉग्निशन ऑफ द फादर। बाप की पहचान दुनिया वालों को होने नहीं देंगे। वी विल नॉट अलाउ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज द फादर। सूर्य का अस्तित्व संसार में कायम नहीं होने देंगे। वी विल नॉट अलाउ द सन टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे अंधकार रूपी अजगर को उषा
समाप्त कर देती है। उषा डिस्ट्रॉयज सच पाइथन लाइक डार्कनेस, जो समाप्त करने वाली है अज्ञान अंधकार को। द वन हु डिस्ट्रॉयज द डार्कनेस लाइक इग्नोरेंस, वो ज्ञान का सोझरा फैलाने वाले को तो जानती होगी या नहीं जानती होगी। विल शी बी नोइंग द वन हु स्प्रेड्स द ब्राइटनेस ऑफ नॉलेज और नॉट, जरूर जानती है। शी सर्टनली नोज हिम, तो बोला। सो इट वॉज सेड, उषा ने ठीक कहा कि हमको पढ़ाने वाला बाप है। उषा स्पोक राइट, द वन हु टीचेस अस इज द फादर, ऐसे नहीं कि पढ़ाने वाली अम्मा है। इट इज नॉट दैट द मदर हु टीचेस अस, क्या वॉट, पढ़ाने वाली माँ नहीं है। द वन हु टीचेस अस इज नॉट द मदर, रचयिता बाप है। इट इज द क्रिएटर फादर, तो ये बात भी ठीक रीति बताई है। सो शी स्पोक अबाउट दिस राइटली, ऐसे नहीं बिंदी बाप है। इट इज नॉट दैट द पॉइंट इज द फादर, अगर बिंदी बाप है पढ़ाने वाला तो ठीक रीति है, यह गैर ठीक है। इफ द पॉइंट इज द फादर हु टीचेस, इज इट राइट और रॉन्ग, ये तो ठीक नहीं है। इट इज नॉट राइट, बिंदी कैसे पढ़ाएगी। हाउ विल द पॉइंट टीच, अगर कहें कि बिंदी बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाता है। इफ इट इज सेड दैट द पॉइंट फादर टीचेस थ्रू ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के द्वारा पूरी पढ़ाई आती है। देन डज द कम्प्लीट नॉलेज कम फ्रॉम ब्रह्मा, या अधूरी पढ़ाई आती है। और डज पार्शियल नॉलेज कम फ्रॉम हिम, क्यों। समवन सेड पार्शियल, व्हाई, कोई डॉक्टर बनता है। सपोज समवन बिकम्स अ डॉक्टर और मोटी मोटी बातें सीख ले, एंड लर्न्स द आर्ट रफली, और डॉक्टर का लकबा ले ले, एंड टेक्स द टाइटल ऑफ अ डॉक्टर, तो अपना और दूसरों का नुकसान करेगा या नहीं करेगा। देन विल ही ब्रिंग हार्म टू हिमसेल्फ एंड टू द अदर्स और नॉट, नुकसान करेगा। नींग पाकी में खतरे जान, ही विल, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आता है। इन द सेम वे व्हेन द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल एंटर्स द बॉडी ऑफ ब्रह्मा, तो बेसिक नॉलेज देता है। ही गिव्स द बेसिक नॉलेज, वो बेसिक नॉलेज अपने में परिपूर्ण नहीं है। दैट बेसिक नॉलेज इज नॉट कम्प्लीट इन इटसेल्फ, क्यों, व्हाई, क्यों परिपूर्ण नहीं है। व्हाई इज इट इनकम्प्लीट, है क्योंकि उसमें बुद्धि का पुट नहीं है। इट इज बिकॉज देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट इन इट, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं कबीर दास के, तुलसीदास के, सूरदास के पदों को, कवित्वों को रटते तो हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्मॉल चिल्ड्रन डू रिपीट द पोएम्स ऑफ कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते तो हैं, लेकिन उनका गुह्यार्थ क्या होता है वो नहीं जानते हैं। दे हियर देम एंड डू नरेट देम टू अदर्स, बट दे डोंट नो देयर डीप मीनिंग। ऐसे ही जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है। सिमिलरली द वेदवाणी मीनिंग वर्ड्स ऑफ द वेदास विच इमर्ज्ड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा, वो वेदवाणी के महावाक्य ब्रह्म वाक्य तो है। द ग्रेट वर्जन्स महावाक्य ऑफ दैट वेदवाणी आर सर्टनली द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्म वाक्य। परंतु वो ब्रह्म वाक्य अगर समझ में नहीं बैठे, बट इफ दोज वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा आर नॉट अंडरस्टूड, बुद्धि ने उन वाक्यों को गहराई तक समझा नहीं है। इफ द इंटेलेक्ट हैजंट अंडरस्टूड दोज वर्ड्स इन डेप्थ, तो निरर्थक हो जाते हैं। देन दे बिकम मीनिंगलेस, उनको समझने के लिए, समझाने के लिए भी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन देम, बाप का टीचर का रूप चाहिए। द फादर इन द फॉर्म ऑफ द टीचर इज रिक्वायर्ड, इसलिए बाप
तीन रूपों में संसार में प्रत्यक्ष होता है। दैट इज वाई द फादर इज रिवील्ड इन द वर्ल्ड थ्रू थ्री फॉर्म्स, बाप के रूप में, माँ के रूप में और टीचर के रूप में। इन द फॉर्म ऑफ द फादर द मदर एंड द टीचर, टीचर का बड़े से बड़ा रूप है सदगुरु। द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ द टीचर इज द सदगुरु, अंतिम स्वरूप है और कड़क रूप है। इट इज द लास्ट फॉर्म एंड अ स्ट्रिक्ट फॉर्म, तो बाप ये चारों ही पार्ट बजाता है, बाप, टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाता है। Thus, the father plays all the four parts. He plays the parts of the father, the teacher and the sadguru. जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। For example, there are small children. तो पहले माँ को पहचानते हैं। They recognize the mother first. यहाँ भी बाप इस सृष्टि पर आते हैं। Here too, when the father comes on this world, तो पहले बेसिक नॉलेज देते हैं। He gives the basic knowledge first. चलो कोई डायरेक्ट एडवांस में भी आते हैं। Even if someone comes in the advanced knowledge directly, तो सर्टेन है कि उन्होंने बेसिक लिया होगा या नहीं लिया होगा। Is it certain that they must have taken the basic knowledge or not? है? पिछले जन्म में जरूर उन्होंने बेसिक ज्ञान भी लिया है। In their previous birth, they have certainly taken the basic knowledge. ब्राह्मणत्व का जीवन बिताया है। And have spent a Brahmin life. तो वर्तमान जीवन में पूर्व जन्म की ब्राह्मणत्व की नॉलेज ऐड हो जाती है। So, the knowledge of the past birth of being a Brahmin is added to their present life. और एडवांस में सहज ही आ जाते हैं। And they come in the advanced knowledge easily. जो एडवांस में आते हैं, बाप का, टीचर का पार्ट समझ पाते हैं। Those who come in the advanced knowledge are able to understand the part of the father, the teacher. सदगुरु का स्वरूप समझ पाते हैं। They are able to understand the form of the sadguru. और ये भी जानते हैं। And they also know that कि बाप से माँ भिन्न नहीं हो सकती। द मदर कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द फादर, बाप का रूप उसमें माँ समाई हुई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। शुड द मदर बी कम्बाइंड विद द फॉर्म ऑफ द फादर और नॉट, माँ तो समाई हुई होनी चाहिए। द मदर शुड बी कम्बाइंड विद द फॉर्म ऑफ द फादर, अगर बाप के स्वरूप में माता समाई हुई नहीं है, इफ द मदर इज नॉट कम्बाइंड विद द फॉर्म ऑफ द फादर, तो वो बाप गीता ज्ञान दाता नहीं कहा जा सकता। दैट फादर कैन नॉट बी कॉल्ड गिवर ऑफ द नॉलेज ऑफ द गीता, गीता तो माता है। गीता इज इन फैक्ट द मदर, वो गीता माता मस्तक पर धारण की जाती है। दैट मदर गीता इज सीटेड ऑन हिज हेड, कौन सा रूप है उनका, विच इज हर फॉर्म, गीता माता का, ऑफ द मदर गीता है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के रूप में दिखाया गया है। शी इज शोन इन द फॉर्म ऑफ द मून ऑफ नॉलेज ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। दे आर शोन इन द फॉर्म ऑफ अर्धनारीश्वर, मीनिंग अ नेम ऑफ शंकर, द हाफ मैन एंड हाफ वुमन फॉर्म, माँ बाप में ही समाई हुई है। द मदर इज कम्बाइंड विद द फादर हिमसेल्फ, नहीं तो बाप जो भी ब्रह्म वाक्यों का क्लैरिफिकेशन देगा वो असंभव हो जाता है। अदरवाइज इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर द फादर टू क्लैरिफाई द वर्जन ऑफ ब्रह्मा। टीचर का काम क्या होता है, वॉट इज द वर्क ऑफ अ टीचर, जो भी गद्य है, जो भी पद्य है, प्रोज पोएट्री है, उसका क्लैरिफिकेशन देना। इट इज टू क्लैरिफाई द प्रोज एंड द पोएट्री, तो बाप हमारा बाप भी है। सो द फादर इज अवर फादर एज वेल, और वो बाप, बाप होने के साथ साथ हमारा उसी स्वरूप से टीचर भी है। एंड दैट फादर
along with being our father, is also our teacher through the same form. और फिर उसी स्वरूप से फाइनल रूप सदगुरु का भी पार्ट बजाता है. And then through that same form, he plays the final part of the Sadguru too. तो हमको पढ़ाने वाला बाप कौन है? वो ठीक रीति कौन बताती है? So, who speaks right about who the father who teaches us is? नहीं. Someone said, कुमार का. No. कुमार का नहीं बताती है. कुमार का does not speak about it. कौन बताती है? Who speaks about it? उषा बताती है. उषा speaks about it. बेसिक में तो उषा का युगल कौन है? Who is Usha's husband in the basic knowledge? रमेश. रमेश. रमा का ईश. The Lord ईश of Rama, a name of Lakshmi. तो ये जोड़ी है. So, this is a pair. तो बाप का ठीक परिचय देने वाली कौन है? So, who is the one who gives the right introduction of the father? उषा. उषा. फिर कुमारका का काम था इसी पॉइंट पर उठाना. Then it was the task of Kumarka to raise this very point. कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है. The one who teaches us is शिव बाबा. ये ऐसे क्यों बोला फिर कुमारका का काम था? Why did he say then it was the work of कुमारका? कुमारका ने ये काम किया नहीं. कुमारका did not do this work. क्या बोला? What was said? कुमारका का काम था. It was the work of कुमारका. माने कुमारका ने वो पार्ट बजाया नहीं क्या? इट मीन्स दैट कुमारका डिड नॉट प्ले दैट पार्ट. वॉट? इस पॉइंट को रेज करना. टू रेज दिस पॉइंट. कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है. शिव बाबा टीचेस अस. और ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है. एंड दिस इज अवर एम एंड ऑब्जेक्टिव. क्या? वॉट? पढ़ाने वाला शिव बाबा है और एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण. द वन हु टीचेस अस इज शिव बाबा एंड अवर एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम लक्ष्मी नारायण. इस पॉइंट को रेज करना चाहिए था कुमारका को. कुमारका शुड हैव रेज्ड दिस पॉइंट. लेकिन नहीं किया. बट शी डिडंट डू इट. इसलिए बोला. दैट इज व्हाई इट वाज सेड. फिर कुमारका का काम था. Then it was the task of Kumarka. लेकिन कुमारका ने वो काम पूरा नहीं किया. But she didn't accomplish that task. चित्र लक्ष्मी नारायण और शिव का चित्र वहाँ पर ले गए थे. They took the pictures of लक्ष्मी नारायण and शिव there. तो उस पर ही समझाना चाहिए. So they should explain on them. जो चित्र ले गए हैं उसी चित्र पर गहराई पर समझाना चाहिए. They should explain deeply on the very pictures that they took with them. क्या समझाना चाहिए? What should be explained? कि पढ़ाने वाला ये शिव है. They should explain that the one who teaches us is this Shiv. और हमारी एम ऑब्जेक्ट है पढ़ाई की लक्ष्मी नारायण बनना और बनाना. And the aim and objective of our study is to become लक्ष्मी नारायण and to make others such. तो कुमारका ने अच्छी रीति समझाया या नहीं समझाया? So, did कुमारका explain this topic nicely or not? है? समझाना था लेकिन समझाया नहीं. क्यों नहीं समझाया? She should have explained it, but she didn't. Why didn't she explain it? क्योंकि जो चित्र ले गए थे शिव बाबा का. Because the picture of शिव बाबा which they took along with them. उस चित्र में क्या दिखाया हुआ है? What is shown in that picture? है? अरे बीच में शिवलिंग है. अरे देयर इज द शिवलिंग इन द सेंटर. और आसपास 32 किरणें दिखाई गई है. एंड 32 रेज हैव बीन शोन अराउंड इट. गुणों को दर्शाने के लिए. टू रिप्रेजेंट द वर्च्यूज.
कि शिव बाबा के खास खास ये 32 गुण हैं। शोइंग दैट दीज आर द स्पेशल 32 वर्च्यूज ऑफ शिव बाबा। तो गुण या अवगुण जो लिंग में बीच में बिंदु दिखाया गया है उस बिंदु के होते हैं या साकार के होते हैं? सो डू द वर्च्यूज और बैड ट्रेट्स बिलोंग टू द पॉइंट शोन इन द सेंटर ऑफ द लिंग मीनिंग ऑब्लॉन्ग स्टोन विद अ बेस वर्शिप्ड इन ऑल इंडिया और डू दे बिलोंग टू द कॉर्पोरियल वन? एवरी वन द कॉर्पोरियल वन। अगर बिंदु के कहे तो वो निर्गुण हो जाता है। इफ वी से दे बिलोंग टू द पॉइंट देन दैट वन इज निर्गुण मीनिंग द वन बियॉन्ड वर्च्यूज। क्या? वॉट? न बिंदु में गुण है, अ पॉइंट नीदर पजेसेस वर्च्यूज, और न बिंदु में अब गुण नॉर बैड ट्रेट्स। वो बिंदु जब साकार बनता है, वेन दैट पॉइंट बिकम्स कॉर्पोरियल, किस स्वरूप के द्वारा? थ्रू विच फॉर्म? जो चित्र में दिखाया है, द फॉर्म दैट इज शोन इन द पिक्चर, लिंग, द लिंग। कैसा लिंग? वॉट काइंड ऑफ अ लिंग? जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए हैं। द लिंग विच इज नॉट शोन टू हैव हैंड्स लेग्स नोज आईज एंड ईयर्स। कोई भी कर्मेंद्रिया नहीं दिखाई गई है। None of the कर्मेंद्रिय is shown. कर्मेंद्रिय meaning parts of the body used to perform actions. तो कर्मेंद्रिय जब दिखाई नहीं गई है तो गुण कैसे होंगे लक्षित? So when the कर्मेंद्रिय are not shown at all, how will the virtues be demonstrated? है? मान लो शिव के मुख्य गुण है। Suppose The chief virtues of Shiv are Nirakari, Nirvikari or Nirahankari. Being incorporeal, viceless and egoless. Hai? Nirakari ka guna Bindu ke dwara lakshit hoga. Will the virtue of being incorporeal be demonstrated through a point? या कोई शरीर में प्रवेश करके ऐसी निराकारी स्टेज संसार के सामने प्रत्यक्ष करे? और विल इट बी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन ही रिवील्स सच एन इनकॉर्पोरियल स्टेज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंटरिंग अ बॉडी? जैसे कि आंखें देखते हुए नहीं देखती है, कान सुनते हुए नहीं सुनते हैं। दैट द आईज डोंट सी व्हाइल सीइंग द इयर्स डोंट लिसन व्हाइल लिसनिंग। दुनिया में कितनी भी भारी ग्लानी होती रहे, नो मैटर हाउ ग्रेव अ डिफॉर्मेशन कीप्स टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड, लेकिन उस ग्लानी का उस साकार स्वरूप के ऊपर कोई असर न हो, नहीं तो दुनिया में क्या होता है? इट शुडंट हैव एनी इफेक्ट ऑन दैट कॉर्पोरियल फॉर्म, अदरवाइज व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड? चाहे देवात्मा हो, वेदर इट इज अ डेटी सोल, चाहे राक्षसी आत्मा हो और अ डिमोनिक सोल, उसके सामने अगर उसके दुर्गुणों का वर्णन किया जाएगा तो उसको देवन जरूर आ जाएगा। इफ देयर बैड ट्रेट्स आर मेंशन्ड बिफोर देम दे विल सर्टेनली बिकम बॉडी कॉन्शियस। तो वो है निराकारी स्टेज को लक्षित करने वाली बात। देयरफॉर इट इज अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इनकॉर्पोरियल स्टेज। साकार शरीर में होते हुए भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ कॉर्पोरियल बॉडी, जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं, इट इज एज इफ ही डजंट हैव द कर्मेंद्रिया एट ऑल, तो होना न होना बराबर हो गया। सो देयर इज नो डिफरेंस वेदर ही हैज देम और नॉट। ऐसे ही निर्विकारी, इन द सेम वे देयर इज द वर्च्यू ऑफ बीइंग वॉइसलेस। ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों से काम किया नहीं, इट इज नॉट दैट He did not do any work through the कर्मेंद्रिया। जैसे सन्यासी जंगल में रहते हैं, जस्ट लाइक द सन्यासीज लिव इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं और कामेंद्रियों को निस्तेज कर देते हैं। दे स्टे इन द फॉरेस्ट एंड मेक देयर ऑर्गन ऑफ लस्ट एनर्जी लेस। कामेंद्री का कोई काम जंगल में रहता नहीं। देयर इज नो वर्क ऑफ द कामेंद्रिय इन द फॉरेस्ट। फिर कहते हैं हम
काम जीत बन गए हैं, हमने 10 साल से काम जीत बनने का पुरुषार्थ किया। Then they say we have conquered lust. We made purusharth, meaning spiritual effort to conquer lust for 10 years. तो क्या ये सही बात है? So is it right? है? नहीं? No. अरे practical करके ये दिखावे। अरे they should prove themselves by doing this in practice. रसगुल्ले की थाली सामने हो। A plate of rasgulla, meaning an Indian sweet, is in front of someone. और फिर भी खाने की इच्छा न हो। Yet if he does not desire to eat it, उसको तो कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। That will be called इच्छा मात्रम अविद्या, meaning a stage in which there is not even the trace of the knowledge of desires. सड़क का भिखमंगा है। Suppose there is a beggar on the road. खाने के लिए अकाल के टाइम पर रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है। Not even a piece of bread is available to him at the time of famine. और फिर कहे इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है। And then if he says that he is in the stage of इच्छा मात्रम अविद्या, तो मानने योग्य है क्या? नहीं। Then is it acceptable? No. मानने योग्य तो तब है जबकि इंद्रियों के भरपूर भोग मौजूद हों। It is acceptable only when there are enough pleasures for the sense organs to enjoy. फिर भी मन की ऐसी पावरफुल स्टेज हो। Yet the stage of the mind should be so powerful कि कर्म इंद्रियों से भोग भोगते हुए भी मन उनमें आसक्त न हो। That even while experiencing pleasures through the karmendriya, it should not become attached to them. जब मन ही आसक्त नहीं होगा। When the mind itself does not become attached to them, तो कर्मेंद्रियों के भोग किए किए न किए बराबर हो जाता है। The experiencing or not experiencing the pleasures of the karmendriya becomes the same. जैसे कि मिसाल देते हैं। Just as an example is given, महबूब अपनी महबूबा को याद करता है। A lover remembers his beloved. कारखाने में जाता है, रास्ता सारा पार कर जाता है, आंखें खुली हुई रहती हैं। While going to the factory, he crosses the whole road. His eyes are open. उसे पूछा जाता है, तुमने किसको आते जाते देखा? When he is asked, whom did you see passing on the road? तो कहा, मैं तो दूसरी याद में था। He replied, I was thinking of someone else. किसी को देखा ही नहीं? I didn't see anyone at all. क्यों नहीं देखा आंखों ने? Why didn't the eyes see them? आंखों ने सामने आते जाते व्यक्तियों को क्यों नहीं देखा? Why didn't the eyes see the people passing in front of him? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था, लगाव पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक। Because the mind was engaged somewhere else with attachment. तो आंख रूपी इंद्रियों ने अपना भोग खुले हुए होते हुए भी स्वीकार नहीं किया। So the eyes in the form of sense organs did not accept their pleasure though they were open. ऐसी स्टेज परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव की दिखाई जाती है। Such a stage is shown for the purest supreme father supreme soul. जो मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। Who is worshipped in the temples in the form of the shivling. देवताओं को पवित्र तो कहते हैं। The deities are certainly called pure. परंतु परम पवित्र नहीं कहते। But they are not called ever pure. ये ever पूज्य एक शिव ही है। It is only Shiv who is ever worship worthy. तो वो बिंदु रूप में नहीं है। So he is not in the form of a point. वो बिंदु भी इस सृष्टि पर साकार रूप में आकर के पार्ट बजाता है। That point too comes in a corporeal form on this world and plays its part. इसलिए उसकी सिर्फ लिंग इंद्रिय पूजी जाती है। That is why only his ling indriya is worshipped. देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती है। All the indriya of the deities are worshipped. उनका गायन है कमल नयन। They are praised as
लोटस लाइक आईज, कमल मुख, लोटस लाइक माउथ, कमल नेत्र, कमल हस्त, कमल पाद, लोटस लाइक आईज, लोटस लाइक हैंड्स, लोटस लाइक फीट। लेकिन शिव का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है निराकारी स्टेज की यादगार। बट ओनली द लिंग ऑफ शिव इज वर्शिप्ड एज अ मेमोरियल ऑफ हिज इनकॉर्पोरियल स्टेज। तो वो चित्र जो बम्बई में ले गए, सो द पिक्चर दैट वॉज टेकन टू बॉम्बे, उसमें ये चित्रित किया गया था निराकारी स्टेज वाला लिंग। इन इट द लिंग विद एन इनकॉर्पोरियल स्टेज वॉज डिपिक्टेड, जो शरीर की यादगार है। द लिंग विच इज अ मेमोरियल ऑफ द बॉडी, परंतु उस लिंग में हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां जैसे काट दी गई। बट इट इज एज इफ द इंद्रिया लाइक हैंड्स फीट नोज आईज एंड ईयर्स वर कट फ्रॉम द लिंग। तो क्या रह गया? सो वॉट रिमेन्ड है, लिंग धड़, लिंग ही रह जाता है। ओनली द लिंग द टॉर्सो रिमेन्स, तो वो निराकारी स्टेज भी है। सो इट इज द इनकॉर्पोरियल स्टेज, निर्विकारी स्टेज भी है, एज वेल एज द वॉइसलेस स्टेज। और देह का अहंकार कहेंगे या नहीं कहेंगे? एंड विल इट बी सेड दैट ही हैज द ईगो ऑफ द बॉडी और नॉट? देह का अहंकार हो ही नहीं सकता। ही कांट हैव द ईगो ऑफ द बॉडी एट ऑल। देह का अहंकार तो तब कहा जाए, ही विल बी सेड टू हैव द ईगो ऑफ द बॉडी, जब देह से कोई कर्म करे, वेन सम एक्ट इज परफॉर्म्ड थ्रू द बॉडी, और कर्म का फल बने, एंड दैट एक्शन बेयर्स सम फ्रूट। कर्म करेगा तो फल बनेगा या नहीं बनेगा? वेन सम एक्शन इज परफॉर्म्ड विल इट बेयर फ्रूट और नॉट? फल जरूर बनेगा, इट विल सर्टनली बेयर फ्रूट, लेकिन कर्म का फल बनता ही नहीं। बट ही डजंट बेयर द फ्रूट ऑफ एक्शन एट ऑल, जैसे गीता में कहा गया है, जस्ट एज इट इज मेंशनड इन द गीता, स्वनिष्ठ स्टेज में स्थिर होने वाला, दैट इफ अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंट इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ, सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर पाप नहीं लग सकता, kills the people of the entire world, still he cannot accumulate any sin. ऐसी आत्मिक स्टेज की पराकाष्ठा की बात है। It is about the pinnacle of such a soul conscious stage. और इसी पराकाष्ठा में स्थिर होने वाला परमपिता परमात्मा शिव, and the supreme father supreme soul Shiv, who remains stable in this very pinnacle. शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, रिवील्स हिमसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड थ्रू शंकर। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। दैट इज वाई देर इज नो डेटी अमंग द 330 मिलियन डेटीज हुज नेम इज कम्बाइंड विद दैट ऑफ शिव। सिर्फ शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। Only the name of Shankar is combined with that of Shiv. ऐसे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी 32 गुणों को लक्षित करने वाले परमपिता परमात्मा के साकार स्वरूप बाप का परिचय उषा ने ठीक दिया। उषा गेव द राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉर्पोरियल फॉर्म ऑफ द फादर ऑफ सच अ सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल हु इज इनकॉर्पोरियल वॉइसलेस एंड ईगोलेस who demonstrates the 32 virtues. तो कौन सी हद की उषा ठीक देती है? So, which one does the limited usha give the right introduction? या बेहद की उषा देती है? Or does the unlimited usha give the right introduction? है? जो बेहद की उषा है, the unlimited usha, जो संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है, who is revealed in front of the world, लेकिन स्वयं प्रत्यक्ष होने से पहले बाप को प्रत्यक्ष करती है। बट बिफोर शी हरसेल्फ इज रिवील्ड शी रिवील्स द फादर फर्स्ट। क्या? वॉट? सारे संसार को बाप का बनाती है। डज शी मेक द एंटायर वर्ल्ड बिलोंग टू द फादर? या पहले अपना बनाती है? और डज शी मेक इट बिलोंग टू हरसेल्फ फर्स्ट? बाप का बनाती है। शी मेक्स इट बिलोंग टू द फादर। तो ये कुमारका का काम था इस पॉइंट को रेज करती। सो दिस वॉज द टास्क ऑफ कुमारका टू रेज दिस पॉइंट। परंतु कुमारका ने तो वो कार्य संपन्न
नहीं किया। बट शी डिडंट अकम्प्लिश दैट टास्क। किसने किया? हु डिड दैट टास्क? उषा ने किया। उषा डिड इट। उषा कौन है? हु इज उषा? जो अंधकार को, अंधकासुर को, अंधकार फैलाने वालों को, अज्ञानियों को संसार से नेस्त नाबूद कर देती है। हु एक्सटर्मिनेट्स द डार्कनेस, अंधकासुर, द वंस हु स्प्रेड डार्कनेस, द इग्नोरेंट वंस फ्रॉम द वर्ल्ड, अंधकासुर मीनिंग डीमन ऑफ डार्कनेस। कौन सा है उषा का रूप? विच इज द फॉर्म ऑफ उषा? है जगदम्बा। Someone said जगदम्बा, जगदम्बा। जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है। जगदम्बा herself takes on the form of महाकाली। महाकाली असुरों का विनाश कर देती है। महाकाली destroys the demons। ओम शांति। ओम शांति।